हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस इज द पार्ट फोर ऑफ द एमसीक्यू सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड ऑफ द कॉर्पोरेट फिनांस एमकॉम सेमेस्टर सेकंड तो सेमेस्टर सेकंड के लिए जो हमने एमसीक्यू सीरीज क्यू शुरू किया था उसका ये पार्ट फोर है और इस वीडियो में हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे और ये सारे पीडीएफ्स डी एफ में एप में शेयर करने वाला हूँ तो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले बहुत सारी चीजें आपको वहां पे फ्री में मिलने वाली है लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो शुरू करें आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो इनमें से कौन सा करेक्ट है इट इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज माइनस फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज तो काफी सिंपल है दिस इज ओवरऑल बेस्ड ऑन द फॉर्मुलास जो कंबाइंड लिवरेज हमें कैसे मिलता है कंबाइंड लीवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग लीवरेज विद द फाइनेंशियल लीवरेज अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइनेंशियल लिवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड लिवरेज तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं हायर ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर डेट इक्विटी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखना अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज का आपको फॉर्मूला पता होगा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो हाइयर ऑपरेटिंग लिवरेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हाइयर होता है डेट इक्विटी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट तो वेनएवर वी आर

वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान रखना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है हमें यूज ऑफ प्रेफरेंशियर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज इज देंशियल करता है याद तो यूज करोगे या प्रेफरेंशियल कैपिटल का परसेंटेज कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा वो आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज होगा उसको बढ़ाएगा दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इज द फाइनेंशियल लिवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं एक्चुअल डेट इक्विटी रेशियो इज मच लेस देन टू इज टू वन इट इंडिकेट्स तो डेट इक्विटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है डेट इक्विटी रेशियो क्या शो करता है डेट इक्विटी रेशियो शो करता है कि कंपनी का डेट जो है कंपनी के इक्विटी के कंपैरिजन से मतलब कंपनी का बोरोड जो है एज कम्पेयर टू दी शेयर होल्डर फंड्स कितना है कंपनी कितना कर्जे में डूबा हुआ है ये हमको डेट इक्विटी रेशियो जो है वो शो करता है और टू ईज टू वन से यूजअली डेट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए अगर आपका डेट डेट इक्विटी रेशियो टू इज टू वन से कम है तो वो क्या शो करता है लेस डिपेंडेंस ऑन ओन फंड्स हाइयर रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लार्जर बर्डन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट या अ वेरी सेटिसफैक्टरी सेफ्टी मार्जिन फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स देखो बर्डन की बात यहां पे कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड पे बर्डन तो हो नहीं सकता बिकॉज अगर आपका डेट इक्विटी रेशो कम रहा टू इज टू वन से इट इज लेस देन वो क्या शो करेगा वो कुछ पॉजिटिविटी से शो करेगा या पॉजिटिव बातें शो करेगा तो आपका राइट right आंसर यहाँ पे बनने वाला है अ वेरी सेटिस्फैक्टरी सेफ्टी मार्जिन फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होंगे उनको सेफ्टी मिलेगी उनका सेफ्टी मार्जिन बढ़ेगा बिकॉज आपका कंपनी का जो डेट होगा वो कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश रेश मेशर द टोटल इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स ऑन सेल्स असेट्स एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट तो इनमें से कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो कंपनी के प्रॉफिट सेल्स असेट्स एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं दैट इज लिक्विडिटी असेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल लिवरेज मैनेजमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर हम सेल्स की बात करें असेट्स की बात करें ओनर्स के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तो ओवरऑल जो जो रेशियोज आपके प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं जैसे कि जीपी रेशियो है जैसे कि नेट प्रोफिट रेशियो है तो दैट इज द प्रोफिटेबिलिटी रेशियो इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑल बोरोइंग्स शेयर कैपिटल शेयर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने लास्ट जो एम सी की डिस्कस किए थे लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के कॉस्ट होते हैं वन इज कॉल्ड एज दी एक्सप्लिसिट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज दी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मतलब हम बाहर वालों को जो पेमेंट करते हैं जैसे कि इक्विटी है विच इज डिनोटेड बाई के ई प्रेफरेंस है विच इज डिनोटेड बाई के पी डेट है विच इज डिनोटेड बाई के डी ये आपके कॉस्ट होते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने डिस्कस किया था कॉस्ट में एक ही टाइप का कॉस्ट आता है दैट इज दी earnings से रिलेटेड कॉस्ट होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो फॉर्म फर्म firm का, का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किसका एवरेज है ये जो सारे सोर्सेस है इक्विटी प्रेफरेंस डेट रिटेन अर्निंग्स सभी का जो भी एवरेज है दैट इज कॉल्ड एज दी

अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अर्न करना है उसको हम क्या कहते हैं तो एक चैप्टर ही हमने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आपका रिविजन हो रहा है इन सेशन से कि नहीं तो बेसिकली यू शुड कमेंट और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि जो बच्चे एम की प्रिपरेशन्स कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो जाए और उनका प्रिपरेशन में मेरे तरफ से थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाए लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर एट कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू प्रेफरेंशियस टू द पब्लिक इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्लोटेशन कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ इशूइंग द न्यू शेयर्स अगर हम न्यू शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वो टाइप के कॉस्ट को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोटेशन कॉस्ट तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोटेशन कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डू रिमेबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज इज सजेस्टेड बाई विच अप्रोच तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज के रिलेट रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है जो बहुत सारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दिया है नंबर वन है हमारा नेट इनकम अप्रोच नंबर सेकेंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नंबर थर्ड है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और नंबर फोर्थ होता है मॉडिग्लिनि मिलर अप्रोच तो इन सारे अप्रोचेस में कुछ बेसिक बेसिक क्रक्स है जो आपको ध्यान रखना है नेट इनकम अप्रोच या नेट ऑपरेटिंग देखो नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रखो कि डेट का कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू वो कम हो जाएगी ये आपको नेट इनकम अप्रोच कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी वैसे ही कहता है लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन बढ़ाते जाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ते जाएगा दोनों के दोनों अप्रोचेस किसने दिए हैं? डेविड डिव्रैंड ने दिए हैं। है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है या एम एम अप्रोच जो है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका जो डिसीजन होगा दैट शुड बी अ जुडिशियस डिसीजन की व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेट एंड व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी कितना परसेंटेज हम डेट रखेंगे कितना परसेंटेज हम इक्विटी रखेंगे ये बेसिकली कौन सा अप्रोच कहता है कि कितना रखना चाहिए वो डिसीजन लेना है हमें एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल अप्रोच तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहता है कि जुडिशियस डिसीजन uh, लेना है जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज करना है आपको तो ये याद रखना है आपको और मॉडिग्लिनि मिलर अप्रोच क्या कहता है कि डेट और इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच जो इिलिवेंट है आर्बिट्रेज मॉडल पर डील करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच तो नेट इनकम अप्रोच में इनमें से कौन सा पॉइंट टू ट्रू है uh, या राइट right है हाइयर इक्विटी इज बेटर हाइयर डेट इज बेटर डेट इक्विटी रेशियो इज इन या हाइयर प्रेफरेंशियर इज बेटर तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नेट इनकम अप्रोच जो है वो यही कहता है कि जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा होगा उतना आप वेटेड एवरेज कॉस्ट या उतनी आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो कंपनी का वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ते जाएगा तो राइट आंसर यहां पे बनने वाला है हायर डेट इज बेटर तो हायर डेट इज बेटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप दिस टेन एम सी क्यू सीरीज़ जो मैंने शुरू की है वो आपको समझ में आ रही है और इसके बेसिस पे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो रहे हैं तो अगर रिवाइज़ हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और आप अगर स्पेसिफिक कुछ वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर